चित्र के गांव बना में मां के पास सो रही बच्ची के गायब होने पर पिता ने गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, परंतु जब जांच की तो मामला कुछ और ही निकल कर आया। बताते चलें, गांव बना निवासी अनीता ने 27 अगस्त को सरकारी अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था, जो 4 सितंबर को मां के पास से गायब हो गई थी। मां बोल नहीं सकती, दिव्यांग है। मामला थाने पहुंचा तो बच्ची के गायब होने की गुमशुदगी पिता द्वारा दर्ज कराई गई, जिसके बाद से ही पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई। 3 दिन पूर्व पुलिस ने पीड़िता के घर के समीप बनी पोखर से नवजात का शव बरामद किया तो गांव में हड़कंप मच गया। शव बरामद करने के बाद से पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई और जांच पड़ताल में थाना निरीक्षक ओम हरि वाजपेयी ने बेटी के पिता से जब पूछताछ की तो पिता ही बेटी का हत्यारा निकला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसने अपना जुर्म कबूल किया। बताया गया कि सत्यपाल मजदूरी करता है, अपनी बेटी की हत्या निर्धनता के चलते की। उसके पास 2 बेटी 1 बेटा पहले से ही है, जिनका भरण पोषण जैसे तैसे हो पाता है। जब बेटी पैदा हुई तो उसे अस्पताल में किसी को दान देने की बात दबी आवाज में कही, लेकिन सामाजिक तानों ने उसे इस तरह के जघन्य अपराध करने को मजबूर कर दिया। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24।